गाड़ी को हमने किया लिफ्टअप गाड़ी को लिफ्टअप करके हमें पता चला है जो गाड़ी का ऑयल पैन है वो डैमेज है और डैमेज होने के बाद ऑयल पैन को मतलब इसको मैजिक वगैरह लगा के जुगाड़ वाला काम किया गया है और जो ऑयल है वो सारा सिपिज होने की वजह से पूरे का पूरा जो इंजन है और बाकी की चीज़ें हैं नीचे वाली इंजन शील्ड वग़ैरह वो सारी की सारी ऑयल के, के साथ भरी हुई हैं ऑयल पैन जो है वो चेंज करना पड़ेगा असलम कैसे हैं सब लोग खैरी से हैं ठीक ठाक हैं आई होप सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे सब मजे में होंगे तो जी आज का दिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके आज पहले की तरह हम फिर होंडा के अंदर मौजूद हैं होंडा के अंदर होंडा एवेन्यू के अंदर मौजूद है जो कि सांबाद के अंदर है तो आज की वीडियो राय के टॉपिक स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके आज का टॉपिक हमारा होने वाला है जी होंडा सिविक 2021 मॉडल गाड़ी के ऊपर जो कि सिविक एक्स गाड़ी है गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम किस चीज़ की है कस्टमर बता रहे हैं कि वो नॉर्दर्न एरिया के अंदर गए हुए थे घूमने के लिए तो वहां पे उनकी गाड़ी के अंदर कुछ चीज हिट हुई है नीचे से जिसकी वजह से उसकी इंजन शील्ड डैमेज हो गई है और जो ऑयल पैन है वो डैमेज हो गया है ऑयल जो है वो काफी ज्यादा लीकेज हो रही थी तो उन्होंने वहां से कुछ जुगाड़ करके तो गाड़ी लिया है इस्लामबाद तो गाड़ी हमारे पास आ चुकी है गाड़ी को करते हैं डायग्नोज डायग्नोज करके देखते हैं कि गाड़ी का जो ऑल ऑयलपेंट डैमेज हुआ है या कोई और चीज डैमेज हुई है तो हमारे साथ रहेगा उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर लें साथ साथ बेल लेकिन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो और ब्लॉग्स जल्द से जल्द आप तक पहुंचते रहे तो बिना डैमेज के चलते हैं वर्कशॉप सारे के सारे डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करते हैं फाइनली हम आ गए हैं गाड़ी के ऊपर गाड़ी को लिफ्टअप करने के बाद इंजन शील्ड खोली गया तो इंजन शील्ड खोलने के बाद हमें पता चला है गाड़ी का जो ऑयल पैन है वो किसी पत्थर लगने की वजह से मतलब डैमेज हो गया था और कस्टमर ने वहाँ कई जुगाड़ किया है उसके ऊपर मैजिक वगैरह लगा के वो गाड़ी इस्लामाबाद लेके आए हैं गाड़ी का ऑयल अभी स्टिल फिर लीक है और गाड़ी का ऑयल लीक होने की वजह सारे के सारे जो इंजन शील्ड है और गाड़ी का नीचे से जो फर्श है वो सारे का सारा ऑयल के साथ भरा हुआ है जो ऑयल पैन है वो डैमेज हो गया है अभी ऑयल पैन किसी किस्म से हम इसको ठीक नहीं कर सकते हैं ऑयल पैन जो है वो करना पड़ेगा चेंज वो करते हैं चेंज फाइनली ऑयल चेंज करने के लिए हमें जो जो पार्ट्स खोलने पड़ेंगे वो सारे का सारा काम हमने स्टार्ट कर दिया है सबसे पहले जो इसका कम्प्लीट इंजन शील्ड है वो खोल के साइड पर करेंगे और उसके साथ साथ इसका जो एग्जॉस्ट पाइप है वो खोल के साइड पे करेंगे और उसके बाद गाड़ी को हमने लिफ्टअप किया हुआ है आप देख सकते हैं होंडा सीवी 2021 मॉडल गाड़ी है और गाड़ी भी इतनी चली हुई नहीं है लेकिन कस्मर कह रहे कि नॉर्दर्न एरिया गए वहाँ पर पत्थर लगने की वजह से गाड़ी की जो शील्ड है वो डैमेज हुई है और जो ऑयल पैन है वो भी डैमेज हो गया था ये इस पॉइंट के ऊपर मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ इस पॉइंट के ऊपर ये पत्थर लगा पत्थर लगने की वजह से जो इसका ऑयल पैन है वो डैमेज हुआ है और सारे का सारा जो ऑयल था वो वहाँ पर ड्रेन हो चुका है लेकिन ये कस्बर ने थोड़ी सी एहतियात की है कि गाड़ी को फौरी चेक करके बंद कर दिया था अगर मजीद इस तरह चलाते तो गाड़ी का जो इंजन है वो सीज हो जाता है गाड़ी का जो ऑयल पैन खोलने वाला काम है वो हमने स्टार्ट कर दिया है सबसे पहले जो इसका कंप्लीट इंजन शील्ड है वो खोल के साइड पर करेंगे फिर इसका जो एग्जॉस्ट पाइप है बाकी के पार्ट्स ऐसा ऐसा खोलेंगे फाइनली सबसे पहले जो इंजन शील्ड खोलने वाला काम है वो हमने स्टार्ट कर दिया है अभी इंजन शील्ड को खोल के करेंगे साइड के ऊपर इंजन शील्ड के बाद फिर इसका जो एग्जॉस्ट पाइप है वो खोलेंगे और साथ ही इस साथ इसका जो टॉर्क माउंट है वो भी खोल के साइड पर करेंगे फिर इसका जो है लगा हुआ है ए सी का कंप्रेसर उसकी ब्रैकेट जो है वो भी ऑयल पैन के साथ आती है उसको भी खोल के साइड पर करेंगे ताकि हमारा जो ऑयल पैन है वो ईज़िली रिमूव हो जाए फाइनली इंजन शील्ड जो है हमारी रिमूव हो चुकी है इंजन शील्ड रिमूव करने के बाद गाड़ी का जो ऑयल पैन खोलने वाला काम था वो हमने कर दिया है स्टार्ट सबसे पहले एग्जॉस्ट पाइप जो है हमारा खुल चुका है और एग्जॉस्ट पाइप के साथ साथ ही इसका जो ए सी का कंप्रेसर है वो भी खोलने वाला काम हमने स्टार्ट कर दिया है इस पॉइंट से जो हमारा ऑयल पैन है वो लीक हुआ है डैमेज हुआ है जिसकी वजह से सारे का सारा ऑयल ड्रेन हो चुका था इंजन से ये वाला एग्जॉस्ट पाइप जो है ये खोल के हम साइड पर करेंगे और इसके साथ साथ ही इस पॉइंट्स के ऊपर और इस पॉइंट से एग्जॉस्ट पाइप खोल के हम निकाल के साइड पे कर देंगे उसके साथ हम जिसका जो एसी जो का कंप्रेसर है उसको भी खोल के साइड पे कर देंगे ताकि जो हमारा ऑयल पैन है वो इजीली रिमूव हो जाए ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए सारे के सारे बोल्ट वगैरह खुलते जा रहे हैं इंजन शील्ड खोल के हमने साइड पर कर दी है फाइनली जो एग्जॉस्ट पाइप था हमारा रिमूव हो चुका है एग्जॉस्ट पाइप को रिमूव करके करते हैं साइड के ऊपर ताकि हमारा जो ऑयल पैन है वो इजीली बाहर आ जाए उसको हम रिमूव कर सकें एग्जॉस्ट पाइप थोड़ा सा हीट है गर्म है इसलिए ज़रा एहतियात के साथ खोला जा रहा है कपड़े के साथ ताकि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े हमें एग्जॉस्ट पाइप खोलने के बाद हम जिसका ए का कंप्रेसर है वो खोल के साइड पर करते हैं कट्टाटी कर का आप देख सकते हैं आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल ब्रांड नहीं है कोई गाड़ी जो है वो इतनी चली हुई नहीं है फाइनली जो चीज़ें थी टॉर्क माउंट वगैरह वो भी हमारा खुल चुका है टॉर्क माउंट का जो ब्रैकेट है वो भी खोला जा रहा है फाइनली जो टार्क माउंट था वो भी हमने खोल दिया है एसी का कंप्रेसर भी खोल के हमने साइड पर कर दिया है एग्जॉस्ट पाइप भी खोल दिया है अभी फाइनली जो ऑयल पैन के बोल्ट वगैरह हैं उनको सारे के सारे के रिमूव करते हैं रिमूव करने के बाद फिर इंजन के साथ से ऑयल पैन को अलग करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑयल पैन जो है वो किस पॉइंट से डैमेज हुआ है ताकि जो जहाँ से हमारा सारे का सारा ऑयल लीक हुआ है सीपी जी है जहाँ से ऑयल का सारा ड्रेन हुआ है अभी ऑयल पैन जो है वो उसको रिमूव करते हैं वो कैसे कैसे रिमूव किया जा रहा है वो सारी की सारी डिटेल मैं आपको स्टेप बाई स्टेप दिखाता भी जा रहा हूँ वीडियोस बनाने का या व्लॉग्स बनाने का मकसद यह है कि ताकि मैं अपने कस्टमर्स को अपने क्लाइंट को अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं अपने भाई लोगों को ताकि उनके साथ किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए क्योंकि अच्छा जो अच्छी चीज़ होती है वो हर किसी को शेयर करनी चाहिए बहुत सारे भाई लोग मतलब नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे जाएँ ये मतलब ये गाड़ी को थोड़ा सा ड्राइव आप थोड़ा एहतियात से करें किसी ऐसी जगह से मतलब गाड़ी को ना गुजारें जहाँ से कोई चीज़ लगने की वजह से आपकी गाड़ी को नुकसान हो फाइनली जो ऑयल पैन है वो हमने इंजन के साथ से रिमूव कर लिया है इंजन ऑयल पैन जो है ऑयल पैन को करते हैं साइड के ऊपर साइड से मैं फिर आपको चेक भी कराता हूँ कि ऑयल पैन हमारा डैमेज कहाँ से हुआ है ये इंजन की कंडीशन आप देख सकते हैं इंजन बिल्कुल ठीक है किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है इंजन को अभी इंजन का जो फेस है जहाँ पे ऑयल पैन फिट होगा उसको अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे और क्लीन करने के बाद फिर जो नया वाला ऑयल पैन है वो इंजन के साथ फिट करेंगे और वो कैसे कैसे फिट होगा वो भी सारी की सारी रेल मैं आपको स्टेप बाई स्टेप साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ फाइनली ऑयल पैन से सारे का सारा ऑयल निकाला जा रहा है ऑयल निकालने के बाद मैं ऑयल पैन आपको चेक करवाता हूँ ऑयल पैन से ऑयल निकालने के बाद अभी मैं ऑयल पैन चेक करवा रहा हूँ ये आपको पॉइंट के ऊपर क्रैक नज़र आ रहा होगा क्योंकि ये सिल्वर का है ऑयल पैन इसीलिए आपको क्रैक सामने नज़र आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर ऑयल पैन हमारा डैमेज हुआ है जहाँ से सारे का सारा ऑयल जो है वो ड्रेन हुआ है इस जगह के ऊपर जहाँ मैजिक लगी हुई है यहाँ से ऑयल पैन जो हमारा वहाँ डैमेज हुआ है डैमेज होने की वजह से सारे का सारा जो ऑयल था वो ड्रेन हो गया है लेकिन कस्टमर ने गाड़ी को फौरी बंद कर दिया था इसी वजह से गाड़ी के जो इंजन को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है अल्लाह खैर करेगा हमें भी अच्छी उम्मीद है कि इंजन हमारे को कुछ भी ना हुआ हो ऑयल पैन हमने आपको दिखा दिया है ऑयल पैन के बाद अभी जो इंजन के साथ से जहाँ ऑयल पैन फिट होगा उसके सारे के सारे फेस की जो बेस है उसकी अच्छे तरीके से क्लीनिंग हमने स्टार्ट कर दी है अच्छे तरीके से पुरानी वाली जो सिलिकॉन है उसको रिमूव करेंगे क्लीन करेंगे क्लीन करने के बाद फिर नई वाली सिलिकॉन लगा के ऑयल पैन को फिर नया वाला ऑयल पैन गाड़ी के साथ फिट कर देंगे ऑयल पैन के साथ जहाँ फिट होगा सारे का सारा फेस जो है उसको अच्छे तरीके से हमने क्लीन कर लिया है आप देख सकते हैं किसी किस्म की कोई पुरानी सिलिकॉन नहीं लगी हुई है जी तो फाइनली हमारे पास नया वाला ऑयल पैन आ चुका है होंडा का हंड्रेड एंड टेन परसेंट जेन पार्ट अभी ऑयल पैन को पैकिंग से अनपैक किया जा रहा है मैं आपको दिखा भी देता हूँ कौन सा वाला ऑयल पैन हम इंजन के साथ लगा रहे हैं बिल्कुल हंड्रेड टेन परसेंट वही ऑयल पैन है जो होंडा कंपनी गाड़ी के साथ लगा के देती है क्योंकि कंपनी के अंदर आपको जेन पार्ट ही मिलते हैं आपको आफ्टर मार्केट या दूसरी तीसरी कंपनी का पार्ट नहीं मिलता है होंडा के अंदर आपको हंड्रेड परसेंट पार्ट मिलते हैं ये ऑयल पैन आप देख सकते हैं होंडा का हंड्रेड परसेंट ऑयल पैन हमारे पास आ चुका है ऑयल पैन को पैकिंग से मैंने खोल के चेक भी करा दिया है फाइनली जो नया वाला ऑयल पैन था उसको सिलिकॉन सारे के सारे लगाने के बाद जो ऑयल पैन है वो हमने इंजन के साथ फिट करना काम स्टार्ट कर दिया है अभी सारे के सारे जो बोल्ट हैं उनको क्रॉस में फिट करते जाएंगे ताकि जो हमारा ऑयल पैन है वो बिल्कुल इंजन के साथ हंड्रेड परसेंट फिट हो जाए ओके हो जाए ताकि हमारे इंजन के अंदर से या ऑयल पैन के अंदर से किसी किस्म का कोई सीपेज का चांस ना हो ताकि हमारा जो कस्टमर है बिल्कुल खुश होकर जाए और बिल्कुल हम उनका हंड्रेड परसेंट काम ठीक करके दें क्योंकि तो होंडा के अंदर अगर कस्टमर आता है तो उसको पता होता है कि जो मेरा काम है हंड्रेड परसेंट क्वालिटी के ऊपर किया जाएगा किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फाइनली ऑयल पैन लगाने के बाद सारे के सारे जो ऑयल पैन के बोल्ट वगैरह हैं उनको टॉर्क किया जा रहा है और वो कैसे कैसे टॉर्क किया जा रहा है वो भी आप साथ साथ देख, साथ देख सकते हैं फाइनली सारे के सारे बोल्टों को टॉर्क करेंगे रीचेक करेंगे ताकि हमारा जो ऑयल पैन है बिल्कुल हंड्रेड परसेंट हो जाए ऑयल पैन को टॉर्क करने के बाद फिर फाइनली जितनी भी सारी सारी असेसरी है उसको इंजन के साथ फिट करते हैं असेसरी के अंदर इसका टॉर्क माउंट है इसका ब्रैकेट है इसका एग्जॉस्ट पाइप आ जाएगा और साथ ही साथ इसका जो एसी का कंप्रेसर है वो उसको इंजन के साथ फिट करने वाला काम है सारे का सारा काम कैसे कैसे किया है हमने कैसे कैसे पुराना वाला ऑयल पैन रिमूव किया है कैसे कैसे फिट किया है वो सारे की सारी डिटेल मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाई है फाइनली जो हमारा कंप्रेसर है ए वाला उसका ब्रैकेट भी लग चुका है हमारा कंप्रेसर भी फिट हो चुका है और नया वाला ऑयल फ़िल्टर भी लग गया है अभी जो एग्जॉस पाइप लगाने वाला काम है वो हम हमारा स्टार्ट है एग्जॉस पाइप फिट किया जा रहा है इंजन के साथ उसके साथ साथ टॉर्क माउंट और उसका ब्रैकेट भी लग गया है अभी जो एग्जॉस पाइप है उसकी रबर भी लग चुकी है ये वाली आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर लॉक हो गई है अभी फाइनली जो एग्जॉस पाइप के बोल्ट है उनको फाइनल टॉर्क किया जा रहा है इसको टॉर्क करने के बाद फिर गाड़ी कोफ करते हैं फाइनल स्टार्ट फाइनली गाड़ी हमारी कंप्लीट हो गई है गाड़ी को कंप्लीट करने के बाद अभी गाड़ी को हम करते हैं स्टार्ट ताकि हम लीकेज वग़ैरह चेक कर सकें कि इंजन के अंदर किसी किस्म की कोई लीकेज या कोई सीपेज वगैरह तो नहीं है हमारी गाड़ी बिल्कुल हंड्रेड परसेंट होके है किसी किस्म की कोई चेक इंजन लाइट नहीं है इंजन के अंदर बिल्कुल आ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंजन बिल्कुल खामोश है किसी किस्म का इंजन के अंदर कोई शोर वगैरह नहीं है फाइनली इंजन आप देख सकते हैं हमारा स्टार्ट है आपको बेल्ट घूमती हुई पुलिया नजर आ रही होंगी इंजन के अंदर किसी किस्म की को, को, कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई किसी किस्म का साउंड नहीं है हमारी गाड़ी जो है वो बिल्कुल 100%, 110 ओके हो गई है फाइनली गाड़ी को करते हैं लिफ्टअप लिफ्टअप करके फिर निचल साइड से जो ऑयल पैन है उसकी प्रॉपर तसली चेक करते हैं फाइनली गाड़ी को हमने लिफ्टअप कर लिया है लिफ्टअप करने के बाद फाइनली हम चेक कर रहे हैं ऑयल पैन को जो नया वाला हमने इंजन के साथ फिट कर किया है ताकि हम प्रॉपर देख सकें कि जो ऑयल पैन हमने नया वाला इंजन के साथ लगाया है उसके अंदर किसी किस्म की कोई लीकेज या कोई सीपेज वाला चांस तो नहीं है प्रॉपर हम गाड़ी को एक दफ़ा रीचेक करेंगे रीचेक करने के बाद फिर फाइनली जो इंजन शील्ड वगैरह है उनको फाइनल करके फिर गाड़ी चार्ज ड्राइव करेंगे सारे के सारे हमने ऑयल पैन को अच्छे तरीके से देख लिया है वॉश कर लिया है किसी किस्म की कोई लीकेज वग़ैरह नहीं है इंजन हमारा बिल्कुल ओके है फाइनली जो इंजन शील्ड लगाने वाला काम है वो हमने स्टार्ट कर दिया है इंजन शील्ड फाइनल डन करने के बाद फिर फाइनली गाड़ी की एक टेस्ट ड्राइव लेंगे टेस्ट ड्राइव करके फिर कस्टमर को डिलीवर करेंगे हमारी गाड़ी जो है बिल्कुल हंड्रेड एंड टेन परसेंट ओके हो गई है इस तरह ही भाई को सपोर्ट करते रहें और अगर कोई प्रॉब्लम फेस होती है अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं अस्सलाम वालेकुम जैसा कि पहले मैंने आपको दिखाया था गाड़ी की लीकेज थी ऑयल की तो जब हमने गाड़ी को डायग्नोज किया तो डायग्नोज करके पता चला तो सबसे पहले जो गाड़ी की इंजन शीड थी वो डैमेज हो गई थी उसके साथ साथ कुछ चीज हिट हुई थी पत्थर और ऑयल पैन जो है वो डैमेज हो गया था ऑयल पैन हमने आपको दिखा भी दिया है ऑयल पैन सारे का सारा हमने रिमूव किया रिमूव करने के बाद उसका जो बेस होती है उसको अच्छे तरीके से क्लीन करने के बाद नया वाला होंडा का हंड्रेड परसेंट जनरन ऑयल पैन हमने नी सिलिकॉन लगाने के बाद इंजन के साथ फिट कर दिया है ऑयल पैन को इंजन के साथ फिट करने के बाद सारे का सारा काम कंप्लीट करने के बाद गाड़ी को हमने किया ओके okay, किसी किस्म की कोई लीकेज वगैरह नहीं थी गाड़ी को हंड्रेड ओके okay करके हमने कस्टमर को डिलीवर कर दिया है कस्टमर हमारे काम से बड़े खुश हो के गए हैं क्योंकि हमने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की है हमने उनका जो मसला था वो हल करके दे दिया है आई होप आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी नेक्स्ट हमारी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ और ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर लें साथ साथ बेलैकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस और ब्लॉग्स जल्द से जल्द आप तक पहुंचे रहें मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा थैंक यू अल्लाह हाफिज़